सबसे खास एग्जाम के बारे में हम वापस से बात करने वाले हैं, जो कि है टैलेंट टेक। अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी फी 1,00,000 रुपए है और 90% स्कॉलरशिप आपको अगर मिलती है तो आप 10,000 रुपए में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ आपको। दोनों मोड में एग्जाम दे सकते हैं सेपरेटली, ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं, राइट। डिजिटल कोर्स के लिए भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेंशनड है, क्लासरूम के साथ डिजिटल कोर्स के लिए भी आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकते हैं एलन में। इन सभी क्लासेस के लिए यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं कि खुल गया है, ठीक है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली, सहल एवरीबॉडी कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो फिर से हम एक साल बाद वापस से आपसे मिल रहे हैं और सबसे खास एग्जाम के बारे में हम वापस से बात करने वाले हैं, जो कि है टैलेंट टेक। तो ये एलन का सबसे खास एग्जाम है जिसमें आपको स्कॉलरशिप और भाई प्राइजेस वगैरह तो खूब सारे मिलने वाले हैं, और सिर्फ कोटा के लिए नहीं, मतलब पूरे देश भर के बच्चों के लिए होने वाला है। जो कोटा में भी आगे पढ़ना चाहते हैं ऑफलाइन, उनके लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कॉलरशिप लेने का। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या है हम सब डिटेल बात करते हुए चलेंगे। एग्जाम कब होगा उसके बारे में बताएंगे, रजिस्टर उसके बारे में बताएंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन क्या मोड रहेगा, एक एक चीज़ों के बारे में हम बात करते हुए चलेंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना, राइट। चलो तो हम लेके आ गए हैं एलन की वेबसाइट पे, इसका लिंक मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ, जैसे 2025 मतलब अभी 2025 में जो स्टूडेंट्स एनरोल होना चाहते हैं, मतलब एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम तो आप अभी दोगे 2024, तो 2024-2025 ऐसे सेशन आप मान लीजिए, इस तरीके से ये एग्जाम है टैलेंट टेक्स, राइट। तो इंडियाज बिगेस्ट टैलेंट एनकरेजमेंट एग्जाम टैलेंट टेक्स 2025 फॉर क्लास 5 to 10, गेट रैंक रिकग्निशन, कैश प्राइजेस, स्कॉलरशिप एंड मच मोर। क्या क्या है, जैसे कि 2.5 करोड़ ऑनलाइन ऑफलाइन का इतने तक का कैश प्राइजेस वगैरह बच्चों को दिया जाता है, स्कॉलरशिप वर्थ इतना वर्थ रखता है स्कॉलरशिप 250 करोड़ का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मिला दे अगर अपन तो। एग्जाम कब कब होने वाला है, ऑफलाइन जो एग्जाम होने वाला है वो 13 अक्टूबर एंड 20 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को एग्जाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है। ऑनलाइन मोड में 5 अक्टूबर to 20 अक्टूबर। क्या क्या है और भी डिटेल में आपको बता दूंगा डेट्स के बारे में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, मोड, डेट एंड टेस्ट प्लेस, यहाँ पे और डिटेल में हम बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑल स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितने भी स्टूडेंट 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, हु हैव अप्लाइड फॉर टैलेंट टेक्स 2025 विल बी एलिजिबल टू अपियर इन टैलेंट टेक्स एग्जाम। जो इन क्लास में से बच्चों ने अप्लाई किया है टैलेंट टेक्स 2025 के लिए, जिन्होंने फॉर्म भरा है, वो अपियर है टैलेंट टेक्स एग्जाम के लिए, राइट। द एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 5 अक्टूबर to 20 अक्टूबर इन ऑनलाइन मोड एंड 13 अक्टूबर and 20 अक्टूबर इन ऑफलाइन मोड। स्टूडेंट्स कैन टेक दिस टेस्ट इन बोथ मोड सेपरेटली। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप दोनों मोड में एग्जाम दे सकते हैं सेपरेटली, ऑनलाइन मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं, ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम दे सकते हैं, राइट। यहाँ पे पॉइंट है, स्टूडेंट्स कैन टेक दिस टेस्ट इन बोथ मोड्स सेपरेटली, दोनों मोड में सेपरेटली आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। क्या क्या आप इसमें से जीत सकते हैं, अप टू 90% स्कॉलरशिप इन एलन फी फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026। तो अगले साल का जो सेशन होने वाला है, यानी कि अगले साल के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे आप 10 to 11 मूविंग स्टूडेंट्स हो या उसके अलावा भी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन सभी के लिए तो है ही सही, तो 10 to 11 मूविंग वाले जो जेई नीट के प्रिपरेशन के लिए भी कोटा आना चाहते हैं या इंडिया में कहीं भी, ठीक है, मैं सब जगह के लिए बात कर रहा हूँ ओवरऑल, तो अप टू 90% तक आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी फी 1,00,000 रुपये है और 90% स्कॉलरशिप आपको अगर मिलती है तो आप 10,000 रुपये में ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फ्रॉम अ पूल अप 250 करोड़ एंड कैश प्राइजेस वर्थ 2.5 करोड़ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ऑल्सो गेट CSI कॉम्पिटेटिव सक्सेस इंडेक्स एलॉन्ग विथ सेल्फ एनालिसिस वगैरह वो सब भी मिलेगा। तो एक नेशनल लेवल का एग्जाम आप मान लीजिए, जहाँ पे आप भी देख सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो। तो इसीलिए मैं पहले भी बोल चुका, अभी भी बोलूँगा कि एक बार तो जरूर इस एग्जाम को देना, ठीक है, आपको एक पता तो चले, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, लाखों बच्चे जो हैं वो इस एग्जाम को देते हैं, इसमें बैठते हैं, इसमें अपियर होते हैं। अप टू 90% स्कॉलरशिप फॉर एलन क्लासरूम एंड डिजिटल कोर्स फॉर 2025। अच्छा, डिजिटल कोर्स के लिए भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि मेंशनड है, क्लासरूम के साथ डिजिटल कोर्स के लिए भी आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकते हैं एलन में।
ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा था 14.7 लाख प्लस स्टूडेंट्स हैव अपीयर्ड इन टैलेंट टेक टिल 2024, तो 2024 तक 14 लाख के करीब बच्चे जो हैं इस एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं। अब कुछ जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है ना FAQs जो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान से देखना, ठीक है। व्हाट इज़ टैलेंट टैक्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, टैलेंट एनकरेजमेंट एग्जाम है जिसमें आप स्कॉलरशिप प्राइजेस वगैरह जीत सकते हैं, ठीक है। हु कैन अपियर इन एग्जाम इन टैलेंट टैक्स 2025, तो स्टूडेंट्स स्टडिंग क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन 2024-2025 कैन अपियर इन टैलेंट टैक्स 2025, राइट। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 वाले जो बच्चे हैं वो अपियर हो सकते हैं टैलेंट टैक्स में। हाउ एंड वेन विल एग्जाम बी कंडक्टेड, एग्जाम कब होगा मैंने बता भी दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। प्रोक्टर्ड एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 7 डे, मतलब 7 दिन ऑनलाइन एग्जाम होगा। ये प्रोक्टर्ड क्या होता है इसके बारे में भी मैं आपको भी बता देता हूँ, ठीक है। वो बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है, कई बार आप सोचते हो कि भाई ऑनलाइन किस तरीके से फेयर हो पाएगा, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। अप्लाई करने के लिए लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है, अब मैंने अपने वीडियो भी डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। और कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे सिंपली यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डालना है और सबमिट कर देना है, ठीक है, और आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। फ़ी क्या रहने वाला है ये एग्ज़ाम देने के लिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो 30 जून तक 150 था, अभी जो फ़ी है वो 300 है, ठीक है। तो 300 रुपये अभी फॉर्म फी लगेगा आपको इस एग्ज़ाम में रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। आफ्टर मेकिंग द पेमेंट स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड अ टैलेंट टैक्स रोल नंबर, तो जब आप पेमेंट कर देंगे, मतलब कि जब आप अपीयर जब यहाँ पे आप फॉर्म फिल करेंगे, जब आप अप्लाई करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए, तो उसके बाद आपको पेमेंट करने के बाद अलॉट कर दिया जाएगा टैलेंट टैक्स रोल नंबर, ठीक है। स्टूडेंट्स विल बी अलॉटेड अ टैलेंट टैक्स रोल नंबर, अ कंफर्मेशन मैसेज ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड द फी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, तो फी का रिसिप्ट भी आपको मिल जाएगा और आपको कंफर्मेशन भी मिल जाएगा आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ठीक है। तो जिस नंबर से आपने यहाँ पे करा रहेगा रजिस्टर उस नंबर पे आपको मिल जाएगा डिटेल सारा, ठीक है। और आप अगर आप पेमेंट करते हैं वहाँ से आगे फिर प्रोसेस करके, तो ठीक है। छोटी छोटी पॉइंट है लेकिन आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकता है कि आ जाए, तो मैं इस पर एक्सप्लेन करते हुए ही चलता हूँ क्योंकि अपन पूरे डिटेल में बात करें टैलेंट टैक्स के बारे में। इसके बाद हम वीडियो लाएंगे तो उसमें और भी बात करेंगे किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, उन सब पॉइंट पे भी हम बात करेंगे, उन सब पॉइंट पे भी हम आपको गाइड जरूर करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लेना और आप डेट मिल जाएगा, ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लास 5, 7 वाले बच्चों के लिए +4, अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है, अगर आपने सही वहाँ पे अटेम्प्ट करा है, तो +4 नंबर मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, 5, 6, 7 वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। पर 8, 9, 10 वाले जो बच्चे हैं करेक्ट होने पे 4 नंबर आपको मिलेंगे और गलत होने पे -1 आपको मिलेगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे फॉर क्लास 8, 9, 10 इश्यूएंस। लास्ट डेट क्या होने वाला है रजिस्ट्रेशन का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिफोर द एग्जामिनेशन डेट ऑफलाइन एग्जाम, ऑफलाइन अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो 10 दिन पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 10 दिन पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। एंड 4 डेज बिफोर एग्जामिनेशन डेट ऑनलाइन, ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं एग्जाम तो 4 दिन पहले तक आपको फॉर्म भर देना है। तो जो वो डेट मैंने आपको ऊपर में दिखाए थे उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखना और उस हिसाब से आप फॉर्म फिल कर लेना उस डेट से पहले, या कि आप आज ही कर लो, कल कर लो, जब भी हो, एज सून एज पॉसिबल आप कर लो। सिलेबस क्या होने वाला है, सिलेबस जो है जैसे कि NCERT सिलेबस ऑफ प्रीवियस क्लास एंड करेंट क्लास एज प्रोवाइडेड इन सिलेबस एंड पैटर्न सेक्शन। देखो आप सिलेबस अगर आपको देखना है ना, तो आप मैंने जो लिंक दिया है वहाँ पे आ जाना, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, इस वाले ऑप्शन में आ जाना, व्हाट विल बी द सिलेबस फॉर एग्जाम, और यहाँ पे क्लिक हेयर देख रहे हो आप, क्लिक हेयर, क्लिक हेयर पे आप जैसे क्लिक करोगे ना, आप देखोगे कि आपके सामने यहाँ पे ये देखो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन सभी क्लासेस के लिए यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं कि खुल गया है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए क्लास 10 के लिए अगर हम बात कर ले, तो 10th वाले पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपका सिलेबस आ चुका है खुल के, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए सिलेबस एंड पैटर्न टैलेंट टैक्स का क्या होने वाला है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी, मैथ्स, IQ, ये सब रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सारे
पेपर का जो एग्ज़ाम मोड जो है ना, मतलब पैटर्न वगैरह है, वो सब यहाँ दिया हुआ है। बाकी हम और डिटेल में एक गाइडेंस वाला वीडियो लेके आएंगे ना, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम वापस से चलते हैं अपने पेज पे। तो सिलेबस के बारे में हमने बात कर लिया। कैन आई विन कैश रिवार्ड्स फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एग्जाम? क्या मैं दोनों, क्योंकि दोनों एग्जाम आप दे सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो क्या दोनों एग्जाम में आप कैश रिवार्ड जीत सकते हैं? यस, आप दोनों में जीत सकते हैं। क्या क्या है यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है? ऑफलाइन एंड ऑनलाइन एग्जाम आर सेपरेट टेस्ट, दोनों सेपरेट टेस्ट होने वाला है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। द रैंक विल बी कैलकुलेटेड सेपरेटली फॉर ईच, दोनों के लिए रैंक भी अलग से कैलकुलेट किया जाएगा, सेपरेटली रैंक कैलकुलेट होगा दोनों के लिए। कैश रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप विल बी अवॉर्डेड टू एलिजिबल स्टूडेंट एज पर देयर रैंक्स, उनके रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप और कैश रिवॉर्ड जो है उनको दिया जाएगा। If a student appears for online exam itself multiple time by registering with different phone numbers, they will be eligible for a maximum of single cash rewards and scholarship based on the highest performance across all attempt. अगर कोई students online exam के लिए multiple time register करता है अलग अलग number से, एक student अलग अलग number से, जैसे होता है ना कि पापा का नंबर से मम्मी का, दीदी का, भैया का, किसी का नंबर से सबसे कर दिया, ठीक है, उस केस में क्या होने वाला है? दे विल बी एलिजिबल फॉर अ मैक्सिमम ऑफ सिंगल कैश रिवॉर्ड, मतलब मैक्सिमम सिंगल कैश रिवॉर्ड्स ही मिलेगा, ठीक है, एंड स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन हाइएस्ट परफॉर्मेंस अक्रॉस ऑल अटेम्प्ट। तो जो भी जितने भी अटेम्प्ट करोगे जो हाइएस्ट होगा, मतलब कि जो सब, जैसे कि मान लो कि अगर आपने चार पाँच नंबर से भर दिया और लेट्स से कि पहले दूसरे नहीं चौथे अटेम्प्ट में आपका ज़्यादा बना, मतलब कि ज़्यादा नंबर आया, तो उसके हिसाब से आपका स्कॉलरशिप और जो कैश रिवार्ड्स है आपको दिया जाएगा, जो हाईएस्ट जिसमें सभी अटेम्प्ट में से जो होगा, लेकिन एक ही मिलेगा आपको, चार बार आपको नहीं मिलेगा, चार बार अटेम्प्ट करोगे एक ही बार मिलेगा, ठीक है। इफ़ ए स्टूडेंट्स ऑप्ट टू अपीयर फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड एग्जाम, ही और सी विल बी गिवन टू सेपरेट टेस्ट। इफ़ स्टूडेंट्स अर्न कैश रिवार्ड्स इन बोथ एग्जाम मोड्स, दे विल रिसीव द हायर ऑफ टू रिवॉर्ड्स, ठीक है, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन के हिसाब से यहाँ पे क्लियर करते दिया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज, अब यहाँ पे चलते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम बात कर रहे थे कि प्रॉक्टर्ड एग्जाम क्या होता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देते हैं वो सोचते हैं कि कैसे फेयर एग्जाम होगा, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये प्रॉक्टर्ड एग्जाम क्या होता है। प्रॉक्टर्ड एग्जाम आर टाइम्ड एग्जाम दैट यू टेक वाइल प्रोक्टरिंग सॉफ्टवेयर मॉनिटर्स योर कंप्यूटर्स डेस्कटॉप वेब ऑडियो। द डेटा रिकॉर्डेड बाई द प्रोक्टरिंग सॉफ्टवेयर इज ट्रांसफर्ड टू अ प्रोक्टरिंग सर्विस रिव्यू एंड द ट्रस्ट स्कोर इज जनरेटेड। एक ट्रस्ट स्कोर जनरेट किया जाता है, कहने का मतलब कि आप जब आप एग्जाम देते हो, जब आप ऑनलाइन बैठते हो, तो पूरा आपके हाव भाव और रिएक्शन सब कुछ वो रिकॉर्ड होता है, मतलब कि सब कुछ वो एनालाइज करते हैं कि आपका मूवमेंट क्या है, कितने फेयर तरीके से आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो, उस हिसाब से आपके रैंक पे भी असर पड़ता है, ठीक है, आपके स्कोर पे, रैंक पे, इन सब पे भी असर पड़ता है। तो आपको अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फेयर तरीके से बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपके जो स्कोर है वो घट सकते हैं। उसी हिसाब से जैसे कि बता रहे कि ट्रस्ट स्कोर बनता है, ट्रस्ट स्कोर क्या है? ट्रस्ट मैकेनिज्म टू एनफोर्स टेस्ट इंटीग्रिटी एंड इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ द टेस्ट क्रेडिबिलिटी फॉर यूजर टेकिंग द प्रोक्टर्ड ऑनलाइन एग्जाम। ऑनलाइन एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि ट्रस्ट स्कोर क्या होता है। द स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड मूवमेंट ड्यूरिंग द ऑनलाइन प्रोक्टर्ड टेस्ट आर रिकॉर्डेड एंड एवेल्युएटेड बाय सॉफ्टवेयर, जिसकी बात मैं अभी कर ही रहा था आपसे। स्टूडेंट स्टार्ट ऑफ देयर टेस्ट विद अ ट्रस्ट स्कोर ऑफ 100%। जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है तो 100% ट्रस्ट स्कोर के साथ स्टार्ट होता है, विच इज प्रोग्रेसिवली रिड्यूस्ड विथ एवरी नॉन कंप्लाइंट बिहेवियर। ट्रस्ट स्कोर विल बी एन इंपॉर्टेंट डिसीजन पैरामीटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम। लोअर ट्रस्ट स्कोर में इम्पैक्ट द कैश रिवॉर्ड्स एंड स्कॉलरशिप डिस्पाइट ग्रेट टेस्ट स्कोर। भले ही आपका टेस्ट स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन आपका अगर ट्रस्ट स्कोर कम हो रहा है, ठीक है, तो आप वो असर पड़ेगा आपके कैश रिवॉर्ड्स और स्कॉलरशिप पे, ठीक है, जिसके बारे में आपको बता रहा था। तो आपको ऑनलाइन एग्जाम को ये मानकर चलना पड़ेगा कि सही में आप एग्जाम दे रहे हो, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हुए हो तो इधर उधर का कुछ टेक्निक लगा रहे हो अच्छा स्कोर करने का, सब कुछ यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। व्हाट इज़ टेस्ट टेकिंग प्रोसेस फॉर ऑनलाइन एग्जाम? ऑनलाइन एग्जाम लेने का टेस्ट प्रोसेस क्या होने वाला है ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए? सिंपल सा है, हैव टू क्लिक ऑन द एग्जाम लिंक शेयर्ड बाय SMS, आपको SMS के थ्रू एग्जाम का लिंक मिल जाएगा। लॉगिन डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड प्रायर टू टेस्ट, एग्जाम से पहले आपको लॉगिन डिटेल्स शेयर कर दिया जाएगा।
स्टूडेंट शुड लॉग इन 30 मिनट्स प्रायर टू टेस्ट स्टार्ट टाइम, 30 मिनट पहले आपको लॉग इन करना रहेगा टेस्ट के जो भी टाइमिंग रहेगा। स्टूडेंट शुड मेक श्योर दैट दी इंटरनेट कनेक्शन इज गुड, आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो ये मेक श्योर कर लो, ठीक है। डिवाइसेस क्या क्या यूज कर सकते हो, जैसे कि आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल फ़ोन से जिसमें अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो आप एग्जाम को दे सकते हैं। व्हेन ए रिसीव द रिजल्ट ऑफ द एग्जाम, एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो एग्जाम का रिजल्ट जो है वो नवंबर के महीने में 2024 में पब्लिश किया जाएगा एग्जाम का रिजल्ट, गॉट इट। तो हमने ना डिटेल में सारी बातें कर ली, ठीक है। शायद ही मैंने कुछ पॉइंट मिस किया होगा, बच रहा है कि आपको और ज़्यादा बताएं कि किस तरीके से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसके लिए मैं देखता हूँ अगला कंटेंट कुछ प्लान करूँगा जिसमें और मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ कि आप कैसे अच्छा से स्कोर कर सकते हो टैलेंट टेक्स में, ठीक है। बाकी सारा पॉइंट मैंने शेयर कर दिया और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया अप्लाई करने के लिए, जाओ जाके अप्लाई करो, ठीक है। और देखो कि आप कहाँ स्टैंड आउट करते हो, कितना कैश रिवॉर्ड जीत सकते हो, स्कॉलरशिप कितना पा सकते हो। यार अगर ऑफलाइन पढ़ने के लिए सोच रहे हो तो पूरे, चाहे आप जहाँ से भी एग्ज़ाम दो, कोटा, बाकी जगह जहाँ भी पढ़ना चाहो, सब जगह के लिए आप एलिजिबल ऑफलाइन में पढ़ने के लिए, अगर आप अच्छा एग्ज़ाम के थ्रू एलएम में। सारा पॉइंट शेयर कर दिया, लिंक वगैरह दे दिया, वहाँ से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और जिन्हें अप्लाई करना होगा उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करना आप, ताकि वो भी अप्लाई कर सके और उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके टैलेंट टेक्स के बारे में और डिटेल में, ठीक है। और कुछ छूट गया होगा, कुछ कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, मैं वीडियो पक्का लेके आऊँगा अगला इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।